बात करें यहाँ से अगर चेन्नई की, तो चेन्नई का अक्टूबर वाला देख रहे हैं 5191 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है हल्की सी करेक्शन के साथ। आज हम देख रहे हैं कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन वीकली क्लोजिंग होते होते चेन्नई का वायदा बाजार अक्टूबर वायदा 5200 का लेवल तोड़ चुका है और 5191 पर 5191 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल चेन्नई अब जो बारिश अच्छी देखने को मिली थी, इसकी वजह से जो जानकार हैं और जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया है कि दलहन की जो अगली बुआई होगी वो अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, ऐसा अनुमान लगाया गया है, जिसकी वजह से दलहन की कीमतों पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता नज़र आ सकता है। और उसी सेंटीमेंट के चलते, मार्केट के इसी सेंटीमेंट के चलते हम देख रहे हैं कि इस समय चने की कीमतों पर एक गिरावट का असर देखने को मिल रहा है। दूसरा, चने का उत्पादन भी इस साल ठीक ठाक देखने को मिल सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। 119.9 लाख टन रह सकता है चने की उत्पादन का अनुमान अभी हाल फिलहाल में ऐसा लगाया जा रहा है। और दूसरा, त्योहारी मांग होने के बावजूद भी चने की कीमतों में अभी हाल फिलहाल में कुछ ज़्यादा तेज़ी बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि दिवाली पास आने तक चने के अंदर 200-300 पॉइंट की कुछ तेज़ी बन जाए, लेकिन वो दिवाली के पास आने पर ही होगा। तब तक चने की जो कीमतें हैं वह ऐसी एक सीमित दायरे में देखने को मिलती रहेंगी।